बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा बाप और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से फजल और सलामती आप सबको हासिल हो और आपके साथ भी हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रिस्ट में ईश्वर कहता है डरो मत। इंसान किसको डरता है? इंसान के मन में, जीवन में डर कब उपलब्ध होती है? एडम और हवा ने पाप किया तब वो दोनों डर गए। उनको पता लगा कि वो नंगे हैं। प्रभु कहता है डरो मत, उसको नहीं डरना जो आपका शरीर का नाश करता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं कर सकता है। लेकिन डरो उसको जो आपका शरीर और आत्मा दोनों नरक में डाल सकता है। बहुत बारी हमारे जीवन में हमें डर इस संसार में, संसार की चीजों के ओर होता है, नाम के ओर होता है, पैसों के ओर होता है, ताकत अपने अपनाने के ओर होता है। इस सब को डर के हम ईश्वर को भूल जाते हैं जिसको हमने डरना है, जिस सत को हमने डरना है, जिस सत से हमें हमारे जीवन आगे लेना है, जिस सत में हमारे लिए अनंत जीवन मिलता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, हमें विश्वास दिया है, भरोसा दिया है। प्रभु कहता है अपना सलीब उठा के मेरे पीछे आ जाओ। प्रभु ने भी अपना सलीब उठाया। पिता परमेश्वर उसने पर उसने अपना विश्वास और भरोसा रखा, इसीलिए उसको अनंत जीवन प्राप्त हो गया, इसलिए उसको अधिकार मिला सब चीजों पर, सब शक्ति उसको मिली है। वही प्रभु कहता आज हमारे लिए भी, आप डरो मत, मुझ पर विश्वास करो,
जो पिता ने मुझे दिया है अधिकार, वो अधिकार मैं आपको भी दे सकता हूं यदि आप मुझ पर विश्वास करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन में, जब हम यहां या बैठ प्रभु को चढ़ाने को आए हैं, सच्चा दिल सच्चा मन से हमारे ओर देखे, क्या हम सचमुच उस प्रभु को डरते हैं या हम संसार के सैतानों को डरते हैं, या सैतान संसार की चीजों के ओर देखे हम उनको डर के हमारे जीवन में ये गलत चीजें या गलत चीजों के ओर हमारे जीवन बगाते हैं। तो प्रभु से हम प्रार्थना करें हमारे लिए, हमारे विश्वास बढ़ाने के लिए। और जिस तरह पिता परमेश्वर पर प्रभु ने अपना विश्वास और भरोसा रखा, उसी तरह हम भी प्रभु पर भरोसा रखकर हमारा जीवन आगे बढ़ाए। जो गलतियां की है हमें, उसके लिए हम प्रभु से और हमारे भाई बहनों से क्षमा मांगे और साथ मिलकर हम बोले, मैं कादरिक मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों बातों और कामों निष्पक्ष रूप से विश्वास किए हैं, इसलिए मैं उनका सामना हमेशा पाई सब परिश्रम और उत्तरों और अब से भी इसी मार्ग करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए प्रार्थना करें। कादरिक मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। हे खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, हे मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, हे खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। स्वर्ग ने मिचे बड़े आई Amen।
करें। हम प्रार्थना करें प्रभु से हमारे घर में शांति, एकता और प्यार से भरने के लिए। हम प्रार्थना करें प्रभु से कि हम हमेशा प्रभु की इच्छा करने के लिए आगे बढ़े, जिस तरह प्रभु हमको पहचान सके और जान सके और प्रभु की आशीष बरकतें हमको मिल सके। हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे बीमार लोग जो भी है उनके लिए दुआ करें प्रभु, उनको चंगाई देने के लिए। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालित करता है। हमें दयापूर्वक कृपा दे कि हमारे हृदय मंदिर में प्रेम और सदा के साथ तेरे पवित्र नाम की गूंज निरंतर उठती रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे दाता पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज करते हैं। नबी एरेमियास का ग्रंथ 20:10-13। ईश्वर ने दुष्टों के हाथ से दिन की आत्मा को छुड़ा दिया। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना, चारों ओर अनंत फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाए जो पहले हमारे मित्र थे, ये सब इस ताक में रहे थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है, मेरे विरोधी ठोक कर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपने हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपशन सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की था लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है, मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दिन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य, हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। तेरे कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं, तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेशी बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाद किया, हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर, तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य, हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरे सुनने की कृपा कर।
ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। दिन हीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे, प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है, वह अपने प्राधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। आकाश और पृथ्वी प्रभु की स्तुति करते करे, समुद्र भी और उसमें विचरने वाले जंतु। अनुवाक्य, हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। रोमियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से पाठ। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब पापी थे। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जा रहा था। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था, फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य ईश्वर यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। या खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। जय घोष। हालेलुया 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 हालेलुया। जे तू बॉडी है शिफा नारा हालेलुया ला, नवी जिंदगी देवेगा तेनू ये बादशाह। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तंजीद हो। अध्याय 10 का 26 से 33 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से नहीं डरो, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ, जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहते हैं उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती, फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत से गौरवियों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी
अपने स्वर्गीय पिता के सामने आशीर्वाद करूंगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे खताए माफ की जाए। क्रिस्त में प्यारे मसीही माता पिता भाइयों बहनों, आज की तीनों पाठ हम सबों को ईश्वर में अथाह प्रेम, ईश्वर में अथाह भरोसा और श्रद्धा रखने के लिए आमंत्रित करती हैं। आज बहुत जगह पर पवित्र हृदय का पर्व मनाया जा रहा है और आज पूरे संसार में वैश्विक पिता दिवस इंटरनेशनल फादर्स डे भी मनाया जा रहा है और इस सुंदर अवसर पर हम सबों को पाठ आमंत्रित करते हैं कि हमारा पिता ईश्वर जो सबों का पिता है वह हमसे कितना प्यार करता है, वह हमारी चिंता करता है, वह हमारी रक्षा करता है, वह हमारा ख्याल करता है। इसलिए हमें उस पर श्रद्धा रखना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए और आज तीनों पाठों इन्हीं विषय वस्तु को उजागर करता है। सबसे पहले प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम उन लोगों से नहीं डरो जो सिर्फ शरीर को मारते हैं, लेकिन उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का सर्वनाश करते हैं, दोनों को मार डालते हैं। और आज का जो मेरा विषय वस्तु है वो इसी पर आधारित है। प्रभु क्यों कहते हैं कि हमें उन लोगों से नहीं डरना चाहिए जो शरीर को मारते हैं, लेकिन उनसे डरना चाहिए जो शरीर और आत्मा दोनों को मार डालते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर एक क्षणिक है, हम कुछ समय अंतराल के लिए इस पृथ्वी पर जीवन जीते हैं और कुछ समय के बाद में हमारा शरीर का अंत हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि हम विश्वास करते हैं कि जो हमारी आत्मा है वह अनंत है, वह कभी नहीं मरती है। जब हमारा शरीर मरता है तो हमारी आत्मा किसके पास वापस चली जाती है? ईश्वर के पास वापस चली जाती है, ईश्वर के पास वापस चली जाती है, क्योंकि वह ईश्वर द्वारा आती है। और मनुष्य सिर्फ हमारे शरीर को मार सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे शरीर और आत्मा दोनों को मार सकता है। इसलिए हमें कहता है कि हमें ईश्वर से डरना चाहिए। लेकिन हम ईश्वर से कब डरते हैं? जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं, जब हम अपने जीवन में बुराई करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं जो ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध है, तब केवल हम क्या करते हैं? डरते हैं। लेकिन डर का दूसरा पहलू ये भी है कि जब हम सच्चाई का जीवन जीते हैं, जब हम ईश्वर के मुक्ति विधान के अनुसार जीवन जीते हैं, तब भी हमें डर लगता है। लेकिन जो इस तरह की डर है उससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है और इसका प्रमाण आज के पाठों में हम सुनते हैं। और आज हम विशेषकर तीन बातों पर मनन चिंतन करेंगे। पहला है, ईश्वर दुष्टों को या जो इष्ट भक्त विरोधी होते हैं उनको कभी विजय नहीं होने देता है। पहला पाठ नबी एरेमियस के ग्रंथ में हम सुने कि नबी एरेमियस के अपने ही लोग, अपने ही संबंधी, अपने ही कुटुंब उनके विरोध हो गए, उन पर अभियोग लगाए, उनको मार डालना चाहते थे, उनको कोई ऐसे प्रलोभन में डालना चाहते थे जिससे उन पर दोष आरोपण कर सके और उसका जीवन खत्म कर सके। लेकिन ईश्वर नबी एरेमियस की रक्षा करता है, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता था, ईश्वर में पूर्ण विश्वास करता था। उसी तरह से दूसरा पाठ में हम संत रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में सुने कि पाप से कहीं अधिक महान है ईश्वर का प्रेम। इसलिए वही ईश्वरीय प्रेम और उसकी महानता हमें क्या करती है? दुष्टों से बचाती है। और सुसमाचार में भी इसी तरह की बात कही गई है, जिसको मैंने शुरू में बताया कि लोगों से नहीं डरो लेकिन ईश्वर से डरो, क्योंकि कहा जाता है फियर
ऑफ गॉड इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ विजडम। हमारी जो बुद्धि, हमारी जो ज्ञान की पहली सीढ़ी ईश्वर से क्या है? डर है। जब हम ईश्वर से डरेंगे तो हम अपने जीवन में अच्छाइयों को अपनाएंगे, हम अपने जीवन में अच्छे कार्य को करेंगे, हम अपने जीवन में हर एक चीज को करने से पहले हम उसको सोचेंगे, उस पर हम मनन चिंतन करेंगे, तब केवल हम कदम उठाएंगे। और दूसरी बात है कि ईश्वर की शक्ति दुष्टों की शक्ति या शैतान की शक्ति से महान है। और वो हम कैसे जानते हैं? पहला पाठ में हम सुने कि ईश्वर एक शूरवीर पराक्रमी की तरह अपने भक्तों की रक्षा करता है, वह अपने भक्तों को कभी नष्ट नहीं होने देता है। और उसी तरह से दूसरा पाठ में आदम के द्वारा संसार में पाप आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा पूरी मानव जाति को क्या मिली? मुक्ति मिली, उद्धार मिली। तो ये ईश्वरीय शक्ति जो पाप की शक्ति थी उससे बढ़कर है, और वही ईश्वरीय शक्ति हम सबों को ना जीवन देती है, हम सबों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए ताकत देती है, बल देती है। और तीसरी बात है कि हमसे प्रेम करने वाला, हमारा ख्याल करने वाला, हमारी चिंता करने वाला हमारा खुदा ईश्वर है। यही संदेश आज के हम सुसमाचार में सुनते हैं। और जब वह कहता है कि एक गौरैया है ना, गौरैया आजकल बहुत लोग गौरैया भी नहीं जानते हैं, स्पायरो जिसको हम बोलते हैं, पहले जमाने में वो हमारे घरों के आसपास बहुत रहते थे, छोटा सा पक्षी है ना। लेकिन उस छोटे से पक्षी के द्वारा ईश्वर हम सबों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वे अनजान हैं, जो भी कि उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन ईश्वर उनको जमीन पे गिरने से बचाता है। तो हम मनुष्य जो ईश्वर के प्रतिरूप हैं, ईश्वर ने हमको अपने सदृश्य बनाया, हमसे प्यार किया, हमारी मुक्ति के लिए अपने बेटा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, तो हमारा वह क्यों ख्याल नहीं रखेगा, वह हमारी क्यों चिंता नहीं करेगा? यदि ईश्वर नबी एरेमियास की चिंता कर सकता है, यदि ईश्वर अपने पुत्र द्वारा पूरी मानव की चिंता करते हुए अपने पुत्र को भेज सकता है, तो वह हर एक जन की चिंता करते हुए वह हमें प्यार करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है। लेकिन आज हमारे लिए सोचने की बात है कि हम जो परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं, हमारे पास कोरोना महामारी जैसा बीमारी है, और हम विश्वासियों के लिए एक प्रकार से चुनौती है कि हम अपना विश्वास में कितना मजबूत हैं, क्योंकि हम पहला पाठ में सुने कि ईश्वर धर्मी व्यक्तियों की क्या करता है? परीक्षा लेता है, धर्मी व्यक्तियों की परीक्षा लेता है, और उस परीक्षा में हम कितना खरा उतरते हैं ये हम पे निर्भर करता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारा ईश्वर कहाँ है, क्यों हमें इस कोरोना जैसे महामारी बीमारी से हमें निजात नहीं दिला रहा है, क्यों इसका खत्म नहीं हो रहा है और दिनों दिन ये बढ़ते जा रहा है। और जब हम इन सारे प्रश्नों पर मनन चिंतन करते हैं तो कभी कभी लगता है कि खुदा है कि नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि खुदा नहीं होता, यदि खुदा हमारा ख्याल नहीं करता, यदि खुदा हमारी रक्षा नहीं करता, तो शायद आज आप और मैं इस मिसा बलिदान में या अपने घरों में जीवित नहीं रहते। हमारा ये जो जीवन आज हम जीवित हैं, यह खुदा का सबसे बड़ा वरदान है और ये खुदा का सबसे बड़ा प्यार का प्रतीक है। आज हम कोरोना से सुरक्षित हैं, आज हम जीवित हैं, आज हम ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम अपने परिवारों के साथ जीवन बिता सक रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों के साथ में संपर्क में हैं, हम रोज दिन एक नया सवेरा देख रहे हैं, या खुदा का ही तो वरदान है, या खुदा का ही देन है। इसलिए हम सबों को अपनी सोच बदलना है और क्या करना है, नबी एरेमियास के जैसा अपना पूर्ण विश्वास ईश्वर पे छोड़ देना है। हमारे अगल बगल बहुत सारे लोग होंगे जो हमें प्रलोभन में डालना चाहेंगे, हमारा परीक्षा लेना चाहेंगे, हमारे विश्वास पे प्रश्न करेंगे, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि ईश्वर एक शूरवीर की तरह हमारी रक्षा करता है, हमारा ख्याल करता है। इसलिए आइए आज हम इस मिसा बलिदान में ही शिक्षा लें कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता है,
अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता है, बशर्ते हम ईश्वर को छोड़ दें। इसलिए पाठ के अंत में हम सुने कि जो व्यक्ति ईश्वर को मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, ईश्वर भी उसे अस्वीकार करेगा, और जो उसे स्वीकार करेगा, ईश्वर भी उसे स्वीकार करेगा। इसलिए ये हम पर है कि हम ईश्वर को छोड़ते हैं या स्वीकार करते हैं। ये आज हम मनन चिंतन करेंगे और खुदा से आशीष मांगे कि हम ईश्वर के में श्रद्धा रख सके, उसमें विश्वास कर सके और उसके कहे अनुसार जीवन जी सके। खुदा हम सबों को अपने आशीष कृपा से भर दे। आमीन। हम सब खड़े हो जाए। रसूलों का अकीदा। मैं मानता हूँ खुदा का एक मुत्री बाबा जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका बेटा है और हमारा खुदावंद है, परमेश्वर के उदर से पेट में पड़ा, मारे गर्भ से पैदा हुआ, उसने मौत के साथ उसके हाथ में दुख उठाया, मसीह हुआ, मर गया और जन्म लिया, मगर जितना था जिसे दिन दिन में से जुटा आसमान पर चढ़ गया, भाइयों या बहनों, यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, उन लोगों से न डरो जो शरीर का नाश करते हैं परंतु वो आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि दोषियों को दंड देने वाले ईश्वर से डरो। ईश्वर किसी व्यक्ति के विनाश या पतन की कामना नहीं करता है, बल्कि वह सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करता है। उसके शब्दों में विश्वास करते हुए हम अपने सब जरूरतों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे निर्भीक होकर मसीह के सुसमाचार की घोषणा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने बपतिस्मा के द्वारा बुराई से लड़ने के लिए शक्ति मिली है, वे बुरे विचारों और पापों से दूर रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया में एकता, शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोग अपने को या अपनी धन संपत्ति को खोने के डर से नहीं ना जिए, बल्कि भयमुक्त तथा प्रेममय जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर पिता ईश्वर समय पर अच्छी वृष्टि भेजे ताकि हमारे सभी किसान भाई बहन माता पिता अच्छी फसल पैदा कर सके और हम सभी को पर्याप्त मात्रा में अन्न मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिश्र में उपस्थित एवं अनुपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम डर और चिंताओं से मुक्त रह सके और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करें जो हमेशा हमारी परवाह करता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रह करके अपने निजी मतलबों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने सार्वजनिक का जीवन और मिशन के दौरान अपने विरोधियों का सामना किया और वह उनको
पराजित करते हुए अपना मिशन जारी रखा और अपना खून बहाकर उसे पूरा किया। हमें यह कृपा दे कि हम तेरे वचनों में विश्वास करते हुए एक शांतिमय जीवन जी सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, प्राचीन और प्रशंसा का यह बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपने प्रेम संप्रित कर तुझे प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। खुदावन आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए, हम ध्यान लगा रहे हैं। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र करिए। ये पूज्य पिता या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत अपने प्रभु कृष्ण के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने प्रणदान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने सर्वहन से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पाप 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 खुदावन है सदा, पाप 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 फरिश्ते गान सदा, पाप 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 खुदावन है सदा, पाप 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 फरिश्ते गान सदा, खुदावन सदा खुदावन सदा खुदावन सदा लश्करा का खुदा, खुदावन सदा खुदावन सदा खुदावन सदा लश्करा।
हे मेहरबान बाप, तुम्हारी कुदरत है, तो पाक है और हर पाक चीज तुझसे ही आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाप को बेच ताकि नचवाने पाप और ऊपर को हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के लिए उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और अपने सागरों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैका प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अभी आदमी यह मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बताया जाएगा। स्थिति में यही क्या करो। हमारे मन का वेद खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक तू ना आए। बस ये बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम हाजिर के साथ इल्जाम करते हैं, बख्श दे या मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपने कलीसिया को याद कर, और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुप आइवन परेरा और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत आता फरमा। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपने रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शारिक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरे हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ, उसी में तुझका देख मतलब खुदा बाप को रूल प्रसन्न की बदानत में हमें इज्जत और ताजी उठाए हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें जो प्रभु ने हमें सिखाई है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाने की रोटी आज हमें दे और हम सब अपनी कर्जा बख्शते हैं, तो हमारी कर्जा बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। हे खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब दिनों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़ा के टॉपिक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे वह सलामती इत्याद बख्श
जो तेरे मर्जी के मुताबिक है। खुदावन की सलामत हर वक्त आप पर हो, मामिकसे की सलामती चाहिए। खुदा के बारे तुझे जवान निकला उठाने चाहता है हम पर रहम कर। आए खुदा के बारे तुझे जवान निकला उठाने चाहता है हम पर रहम कर। आए खुदा के बारे तुझे जवान निकला उठाने चाहता है हमें सलामती के हाथ कर। ये खुदा का बल जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, मुबारक है वह जो बरके की जाफत में बुलाए गए हैं। पूज्य पिता, अपने प्रभु वर यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं,
उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा। आमीन। खुदा उन आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादर पुत्र खुदा बाप और बेटे अतिरूप कुदरत की बरकत सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, सलामत से जाइए। क्यों